नमस्कार दोस्तों करंट अफेयर ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है तो इस वीडियो में हम दृष्टि आई एस के जो टेस्ट सीरीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो इस वीडियो में एक से पचहत्तर से तक का क्वेश्चन डिस्कस होगा और नेक्स्ट वीडियो में पचहत्तर सेवेंटी सिक्स टू वन फिफ्टी तक का डिस्कस होगा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ होगा जहाँ ज़रूरत होगा फुल एक्सप्लेनेशन होगा तो वीडियो के साथ बने रहें और और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए डिस्कशन में आते हैं तो पहला क्वेश्चन है विच एम द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द वाइटली गोल्ड अवार्ड इन अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी टू एट द रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी इन लंदन तो ऑप्शन क्या क्या है मेधा पाटकर चारू दत्त मिश्रा डेविड एटनबोरो एंड जादव पैंग तो इसका सही आंसर होगा चारू दत्त ठीक है और ये है कौन ये है स्नो लेपर्ड कंजर वेस्निस्ट, ठीक है तो स्नो लेपर्ड बचाने का कार्य करते हैं ये चारू दत्त ये इनका दूसरा अवार्ड है ठीक है इससे पहले इनको कब मिला था 2005 में मिला हुआ है यही अवार्ड वाइटली गोल्ड अवार्ड इनको 2005 में मिल चुका है ठीक है अब अगर हम लोग किसके लिए मिला था इनको तो स्नो लेपर्ड के बारे में मिला था अगर स्नो लेपर्ड की बात करें तो आई स्टेटस क्या है तो ये है वल्नरेबल ठीक और ये शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 में आता है ये भी बात ध्यान में रखिएगा और अगर बात करूं तो स्नो लेपर्ड कैपिटल कहाँ पे हैं तो वो है हेमीश कहां पे लोकेटेड है लद्दाख में कहां पे लद्दाख में स्नो कैपिटल स्नो लेपर्ड स्नो लेपड कैपिटल वो कहां पे है लद्दाख अगर आपसे पूछ दे कि हेमीस मोनेस्ट्री कहां पे है तो वो भी लद्दाख में है ठीक है तो ये बात ध्यान रखिएगा और अगर पूछ ले कि स्नो लेपर्ड कहाँ कहाँ किस स्टेट में पाया जाता है तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये हिमाचल प्रदेश होगा ठीक है तो इतने स्टेट और यूनियन टेरी में पाया जा टेरीटरी में पाया जाता है तो देखिए एक क्वेश्चन से कितना चीज़ आपको बता दी नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टू थाउजेंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर करेक्ट तो यहाँ दो स्टेटमेंट दिया हुआ है पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट वॉज इनेक्टेड टू इम्प्लीमेंट द ऑब्जेक्टिव एंड श्राइंड इन द यू एन सी बी डी ठीक और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट टू थाउजेंड टू तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है क्योंकि बायो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो कब बना है तो नाइनटीन एट्टी टू में बना है ठीक है और ये कहाँ पे सिचुएटेड है तो ये देहरादून और क्लोज टू राजा जी नेशनल पार्क ठीक है राजा जी नेशनल पार्क तो ये भी ध्यान रखिएगा और और ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है UN CBD के तहत ही बना लाया गया था तो ये बिल्कुल सही है तो ऑप्शन वन इज करेक्ट तो इसका सही आंसर क्या होगा ओनली ए दैट इज ओनली वन ठीक है चलिए नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू बायोटिक कॉम्पोनेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सॉइल वाटर एयर एंड लाइट कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोटिक कॉम्पोनेंट डेटरी तो वोर्स कम्पोज दी ऑर्गेनिक मैटर तो सबसे पहले डेटरी बोर्स के बारे में आपको बता दूँ ये वैसे ऑर्गेनिज्म हो गए दैट फीड ऑन डेड एंड डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि अर्थफॉर्म ले लीजिए ये क्या हो गया डेटरी बोर्स हो गए फंगस ले लीजिए ये भी डेटरी बोर्स हो गए ठीक है जो मरे जो क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट में जो फीड करते हैं तो उसको हम लोग डेटरी बोलते हैं अब आते हैं बायोटिक और ए बायोटिक कॉम्पोनेंट बायोटिक और ए बायोटिक देखिए बायोटिक कंपोनेंट उनको बा... इसमें सबसे पहले बायो का मतलब होता है लाइफ ठीक और इक का मतलब होता है लाइक लाइफ लाइक ठीक है तो जिसमें लाइफ होगा तो वो बायोटिक कंपोनेंट हो गया और जिसमें नहीं होगा वो ए बायोटिक कम्पोनेंट हो गया तो अब बायोटिक कंपोनेंट का मतलब एक बात और हो गया कि जो लिविंग लिविंग थिंग प्रेजेंट है अर्थ में सिस्ट ठीक है तो उसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं जैसे ऑइस्टर ले लीजिए जिली ले लीजिए ह्यूमन बींग ले लीजिए एनिमल ले लीजिए ये क्या हो गया बायोटिक कॉम्पोनेंट ठीक है और ए बायोटिक ले लीजिए जैसे कि टेम्परेचर हो गया पी हो गया ह्यूमिडिटी हो गया सैलिनिटी हो गया सनलाइट हो गया तो ये सब क्या हो गया ए बायोटिक कॉम्पोनेंट तो पहला क्या होगा सॉइल वाटर एयर एंड लाइट कॉन्स्टिट्यूट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोटिक कॉम्पोनेंट तो बिल्कुल गलत ये तो सरासर गलत है तो पहला ऑप्शन गलत हो गया डेटरी वोस डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर ये बिल्कुल सही है अभी मैं बताया था तो कौन सा होगा ऑप्शन सी दैट इज़ ऑनली टू नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू बोंगो सागर एक्सरसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज़ अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश द एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन द इंडियन ओशियन ठीक है तो देखिए ये पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि इट इज़ अ बायलेटरल नवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश तो ये बिल्कुल सही है द एक्सरसाइज़ वॉज़ कंडक्टेड इन द इंडियन ओशियन तो ये गलत है ठीक है तो इसका सही आंसर क्या होगा ओनली ए ठीक है तो ध्यान रखिएगा और अगर पूछ दे कि बांग्लादेश के साथ हम लोग और कौन कौन सा एक्सरसाइज करते हैं तो वो हो गया संप्रीति ये आर्मी एक्सरसाइज है ठीक और अभी रिसेंट मोंगला पोर्ट ध्यान में रखिएगा जो कि बांग्लादेश में है एक फ्रेंडशिप ब्रिज याद रखिएगा ये किस रिवर में है ये बताइए तो जरा ठीक है फ्रेंडशिप ब्रिज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ठीक है।, है तो ये नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू साइकैट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर करेक्ट तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना ये ध्यान रखिएगा ठीक है करेक्ट तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइकेट क्या होते हैं ठीक है तो साइकैट आर जिम्नोस्पर्म ठीक है जिम्नोस्पर्म कहने का मतलब हो गया नॉन फ्लावरिंग प्लांट ठीक है नॉन फ्लावरिंग प्लांट या ट्री ले लीजिए और ये इसका फीचर्स क्या होता है जिम्नोस्पर्म का ये तो होगा एक हो गया कि नॉन फ्लावरिंग होगा दूसरा है कि ग्रीन होगा तीसरा होगा कि इसका ऊट जो होता है लकड़ी वो सॉफ्ट होता है चौथा है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो कोन में होता है तो आप अगर पहाड़ों में गए होंगे तो देखा होगा आपने पाइन देखा होगा ठीक है पाइन ट्री तो देखा होगा तो वो क्या हो गया वो एग्ज़ाम्पल हो गया कि इसका जिम्नोस्पर्म का उसी तरह अगर यहाँ पे साइकैट आर पूछा है आपसे क्या कि एंजियोस्पर्म ठीक तो एनजीओ क्या होता है कि फ्लावरिंग प्लांट ठीक है तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी ठीक है ओनली टू तो अब देखिए क्या है आर एंजियोस्पर्म ट्री नहीं गलत है ये क्या है जिम्नोस्पर्म ठीक है आपसे पूछा करेक्ट पूछा है तो यही ध्यान रखिएगा तो ये पहला स्टेटमेंट है दे आर फाउंड इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट ऑफ इंडिया तो ये गलत है ठीक है सॉरी सॉरी टू होगा ठीक है दैट इज सी ऑप्शन होगा दे आर फाउंड इन द ईस्टर्न घाट ऑफ इंडिया और इस बारे में तो और कुछ बताने लायक नहीं है ठीक है तो ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू ऑयल स्पिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर करेक्ट तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बायो इज द फास्टेस्ट मैथड टू क्लीन अप एंड ऑयल स्पिल दूसरा है स्कीमर्स आर डिवाइस यूज फॉर फिजिकली सेपरेटिंग स्पिल्ड ऑयल फ्रॉम वाटर सरफेस तो सबसे पहले ऑयल स्पिल क्या होता है कि ऑयल स्पिल मतलब कि अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ क्रूड ऑयल इनटू लार्ज वाटर बॉडी ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा ठीक है तो इसमें क्या होता है कभी कभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जो सिप कंटेनर लाते हैं वो क्या हो गया कि एक्सीडेंट हो गया तो क्या हो गया ऑयल स्पिल हो गया ओशियन में ठीक है और ये अगर ऑयल स्पिल हो गया ऑयल स्पिल हो, हो गया तो इससे क्या होता है कि जो मरीन लाइफ होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं ठीक है और देखा होगा कि आपने कि लार्ज अमाउंट लार्ज नंबर में आप देखे होंगे कि फिश मरा हुआ पड़ा है ऑयल स्पिल की वजह से ठीक है अब पहला है कि बायो रेमेडिएसम इज़ द फास्टेस्ट मैथड टू क्लीन अप तो सबसे पहले बायो होता क्या है ठीक है तो ये एक प्रोसेस है जो कि जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया मान लीजिए ठीक है लिविंग और लाइक ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया ठीक है तो ये क्या करते हैं वो जो ऑयल स्पिल हुआ उसको क्या करते हैं खा जाते हैं ठीक है और उसको क्लीन कर देते हैं ठीक है तो ये हो गया बायो और सेकेंड वन इज स्कीमर्स आर डिवाइस यूज फॉर फिजिकली सेपरेटिंग स्पील्ड ऑयल फ्रॉम दी वाटर सरफेस ये भी बिल्कुल सही है ठीक है स्कीमर तो बायो फास्टेस्ट मेथड नहीं है ठीक है तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा और सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है तो इसका सही आंसर क्या होगा दैट इज सी नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लॉन्च न्यू प्लेटफॉर्म ई पेंशन पोर्टल ऑन द ओकेज़न ऑफ इंटरनेशनल लेबर डे फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ पीपल तो सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है तो एक मई को ठीक है फर्स्ट मे ऑफ एवरी ईयर अब ये किसके लिए लॉन्च किया गया है तो ये लॉन्च किया गया है रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉज के लिए क्या होता है ना कि रिटायरमेंट के बाद बहुत, बहुत प्रॉब्लम होता है जो मतलब ए, उनको पेंशन और ग्रेजुएटी और पी जो भी इनको मिलना रहता है तो उसमें प्रॉब्लम आता है लेकिन इस ऐप के पोर्टल आ जाने से तीन दिन के भीतर ये सारा काम करना पड़ेगा ठीक है नहीं तो कार्रवाई होगी जो भी डिपार्टमेंट इसके अंडर है ठीक है तीन दिन के भीतर आपके ग्रेजुएटी पेंशन सब चालू हो जाएगा नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग लेबल ऑफ the फ्रॉम इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट ठीक तो सबसे पहले सन का इनर मोस्ट या आउटर मोस्ट करना है ठीक है तो कौन कौन सा है क्रोमोस्फेयर फोटोस्फेयर कोर एंड कोरोना तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर मान लीजिए ये सन है तो सन का सबसे पहले किसी भी अगर अर्थ का भी आप करते हैं क्या करते हैं जैसे कोर हो गया उसके बाद मेंटल हो गया उसके बाद क्रस्ट होता है उसी तरह यहाँ पे क्या करना है आपको बताना है तो ये मान लीजिए सन है तो सन का सबसे पहले कोर होता है ठीक है उसके बाद होता है फोटोस्फेयर उसके बाद होता है क्रोमोस्फेयर और उसके बाद ऐसे ऐसे करके अगर देखें होंगे अब नंगी आंखों से तो जो बाहर वाला सरफेस रहता है वो कोरोना रहता है ठीक है तो सबसे लास्ट में कोरोना और सबसे अंदर क्या रहता है कोर ठीक उसके बाद होता है फोटोस्फेयर कोर के बाद फोटोस्फेयर और फोटोस्फेयर के बाद क्रोमोस्फेयर तो ये बात ध्यान रखिएगा तो सबसे पहले क्या होगा आ, कोर का इनर से करना है तो थर्ड होगा सबसे पहले थ्री उसके बाद कौन सा होता है क्रोमो फोटोस्फेयर थ्री टू उसके बाद क्रोमोस्फेयर वन एंड फोर थ्री टू वन फोर दैट इज सी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली मेमल दैट कैन फ्लाई तो ये आप सभी को पता होगा ये कौन सा है तो बैट नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि इट इज ए स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू सेटअप न्यू एंटरप्राइज इट इज इम्प्लीमेंटेड बाई द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन तो पहला जो स्टेटमेंट है कि ये स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है नए इंटरप्राइज के लिए तो बिल्कुल सही है और इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाई खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ये भी बिल्कुल सही है तो इसका सही आंसर क्या होगा बी डेट इज़ बोथ वन एंड टू करेक्ट अब इसके बारे में अगर पी एम ई जी पी के बारे में बात करेंगे तो कब स्टार्ट किया गया था तो 2008 में स्टार्ट किया था और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ठीक है और किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है तो एम एस एम ई ठीक है और उसी के अंदर के बी आई सी आता है ठीक है खादी विलेज इंडस्ट्री ठीक है तो ये भी ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी ओन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के आई यू जी ट्वेंटी ट्वेंटी वन टाइटल तो इसका सही आंसर होगा जैन यूनिवर्सिटी और ये कहाँ पे है तो ये टक में लोकेटेड ठीक है तो जैन यूनिवर्सिटी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज आर ट्रू अबाउट इंसेक्टिवोरस प्लांट तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए क्या है दे ऑफन हैव सेवरल अट्रैक्शन सच एज ब्रिलियंट कलर स्वीट सिक्रेशन एंड ड्रोसेरा एंड एल्ड्रोवाडा आर एग्जाम्पल ऑफ इट तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि उनका चमकदार एकदम कलर आप होंगे तो कलरफुल होता है ठीक और उसमें स्वीट सेक्रेशन चिपचिपा टाइप का होता है जिससे क्या होता है कि कोई भी इंसेक्ट आता है तो उसमें अगर चिपकता है तो फिर वो छूट नहीं पाता है ठीक है तो ये सही है स्वीट सेक्रेशन सही है ब्रिलियंट कलर भी सही है तो पहला स्टेटमेंट सही है ड्रोसेला एंड एल्ड्रोवानांडा आर एग्जाम्पल ऑफ इट ये भी बिल्कुल सही है और अदर बता दो इंसेक्टिव वायरस के बारे में तो वेनस फ्लाई ट्रैप भी एक और है ठीक है पीचर प्लांट ले लीजिए ये तो कॉमन एग्जाम्पल है प्लांट, कोबरा लीली ले लीजिए ठीक है तो ये अदर एग्जाम्पल है तो इसका सही आंसर क्या होगा टूएल का बी नेक्स्ट है गिवेन बिलो आर टू स्टेटमेंट वन इज लेबल एज असरसन एंड अदर इज रीजन तो पहला असरसन क्या कह रहा है इन न्यू एरे ऑफ स्पीसीज आर फाउंड इन इकोटीन एंड दूसरा क्या कह रहा है कि इकोटीन इज ए जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम ठीक है तो अब देखिए पहला क्या कह रहा है ए बोथ ए एंड आर एसर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ए इज ट्रू बट आर इज फॉ बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ए इज फॉल्स बट आर इज़ ट्रू तो इसका सही आंसर होगा ए दैट इज आई सर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेवेंटींथ एशिया मीडिया समिट सीन रिसेंटली इन न्यूज़ वॉज कंडक्टेड बाई तो ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है तो so, इसका सही आंसर होगा एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड डेवलपमेंट ठीक है ये ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल टू ट्वेंटी एटीन एम टू फेज आउट तो ये भी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग ठीक है बायोमेडिकल वेस्ट कहने का मतलब मान लीजिए कि हॉस्पिटल से जो भी कचरा निकल रहा ठीक है तो उसको प्रॉपरली कैसे उसका निष्पादन करें ठीक है मतलब कि वो अफेक्ट ना करें इन्वायरमेंट को ठीक है तो वही चीज़ को लेकर तो ये होगा सही आंसर क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू कोरल ब्लीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट तो पहला स्टेटमेंट है वेन कोरल आर स्टेज दे एक्सपेल द जू जेंथलेक् दैट लिव इन साइड दे टिशू और दूसरा है कोरल ब्लीचिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस ठीक तो ये तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है ठीक तो ऑप्शन बी होगा देखो जूज एंथलेट क्या होता है कि ये एल्गी होता है ठीक ये इसको क्या प्रोवाइड करता है कोरल्स को खाना प्रोवाइड करता है ठीक है ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है खाना प्रोवाइड करता है और ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है अगर एक इफ़ेक्ट हुआ तो दूसरा मर जाएगा ठीक है तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अब अगर आपसे पूछ दें कि कोरल जो रीफ है इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है तो वो कहाँ कहाँ पाया जाता है तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप एक है मावलन एरिया ठीक है मावलन एरिया मावलन एरिया नियर महाराष्ट्र फिर आप ले लीजिए गल्फ ऑफ कच्छ ठीक है गल्फ ऑफ मन्नार ले लीजिए ठीक है और एक बात याद रखिएगा बे ऑफ बंगाल जो वाला जो उड़ीसा आंध्र प्रदेश उड़ीसा वेस्ट बंगाल वाला रीजन वहाँ पर नहीं पाया जाता है क्यों इस क्योंकि इसको एकदम साफ पानी का ज़रूरत होता है ठीक है और एक बात और याद रखिएगा वेस्ट कोस्ट में कहाँ नहीं पाया जाता है तो ये गल्फ़ ऑफ खम्बात में नहीं पाया जाता है ये भी ध्यान रखिएगा ठीक देख रहे हैं एक चीज़ में कितना कुछ बता दिया जा रहा है नेक्स्ट है द सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस ट्वेंटी ट्वेंटी टू वॉज ऑर्गेनाइज एट इन तो इसका सही आंसर होगा सी दट इज इन बेंगलुरु इसको इनोग्रेट कौन किया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने इनोग्रेट किया था नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू फाइटो प्लांटेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इट प्रोड्यूसेज मोर देन नाइंटी परसेंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस फ्रॉम ऑल प्लांट फाइटो प्लांटेन रिक्वायर्स नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फॉर देयर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन तो देखिए नाइन्टी परसेंट नहीं होगा फिफ्टी परसेंट होगा यहाँ पे नाइन्टी परसेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है ठीक है और फाइटो प्लान्ट रिक्वायर्ड नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस तो ये बिल्कुल सही है देखिए प्लांट का ग्रोथ के लिए अगर आप आप अगर खेती किसानी जानी में देखें तो क्या होता है कि फॉस्फोरस और नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो वही चीज़ सोच सकते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है तो इसका सही आंसर क्या होगा सी ओनली टू नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू क्योटो प्रोटोकॉल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट पूछा है ठीक है तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये कब साइन अडॉप्ट कब हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट कब हुआ था कुछ चीज़ें जैसे 1997 में ठीक और केम इनटू फोर्स हुआ था ये 2005 में इसमें कितने पार्टीज हैं 192 और ये बाइंडिंग एग्रीमेंट है ठीक है डेवलप कंट्रीज़ के लिए तो ये बात ध्यान रखिएगा तो नॉट करेक्ट पूछा पूछा है इट् एट बाइंडिंग एमिशन डिडक्शन टारगेट फॉर इंडस्ट्रियलाइज कंट्री तो ये बिल्कुल सही है डेवलप कंट्री के लिए था इट एंटर्ड इन टू फोर्स इन दो हज़ार आठ तो अभी आपको मैंने बताया कि ये दो हज़ार पाँच में एंटर हुआ था तो ये गलत हो गया इट डेवलप ए मार्केट मैकेनिज्म बेस्ड ऑन द ट्रेड ऑफ एमिशन ठीक है जैसे क्या होता है कि जो कंट्री कम प्रोड्यूस करता है ग्लो ग्रीन हाउस गैस और जो कंट्री ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वो क्या कर सकते हैं कि अपने में आपस में ट्रेड कर सकते हैं ठीक है तो ये बिल्कुल सही है करेंटली देर आर वन नाइन्टी टू पार्टीज टू दोटो प्रोटोकॉल तभी मैंने बताया तो ये भी बिल्कुल सही है नेक्स्ट है वाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे तो ये कितना है टू नाइन्टी सिक्स पॉइंट ज़ीरो फाइव जीरो सेवन किलोमीटर इसको यूपी इलेक्शन से पहले इनोग्रेट किया गया था और इसके बारे में कहूँ तो ये फोर लेन एक्सप्रेस वे और ये सात डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस कर रहा है यूपी का कौन कौन से हैं तो वो है चित्रकूट फिर है इटावा फिर है पहले चित्रकूट बांदा फिर महोबा ईस्ट वेस्ट जा रहे हैं ठीक है ध्यान रखिएगा पहले चित्रकूट फिर है बांदा फिर है महोबा फिर है हमीरपुर फिर है जालौन फिर है औरैया फिर है इटावा और फिर जाके ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में जुड़ जाता है ठीक है तो ये बात ध्यान रखिएगा तो इसका सही आंसर क्या है बी इन वर्ल्ड फ्रीडम इन दी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू इंडिया वॉज रैंक तो ये कितना रैंक है एक सौ पचास इससे पहले कितना था एक सौ बयालीस और इसको कौन पब्लिश करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ध्यान रखिएगा नाम भी याद रखिएगा कौन पब्लिश करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू चेन कुरुंजी विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ आर करेक्ट इट इज़ फाउंड इन द हिमालयस इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस तो स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको करेक्ट स्टेटमेंट तो अगर आप नील कुरंजी के बारे में जानते हैं तो आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं नीलकुरंजी जो है बारह साल में फ्लावर करता है मतलब हर बारह साल में इसमें फूल आते हैं तो ये ध्यान रखिएगा तो ये हिमालय में नहीं पाया जाता है ये आपका वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट में भी कहाँ अगस्त मलाई हिल में पाया जाता है ठीक है तो पहला तो गलत हो गया और ये ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस में काम आता है ये बिल्कुल सही है तो कौन होगा सी दैट इज़ ओनली टू इज़ करेक्ट नेक्स्ट है द फॉलोइंग करना है ठीक है तो पहला है टाइगर टुंडरा सवाना और ग्रास लैंड और रीजन के हिसाब से आपको कहना है तो ग्रास लैंड की बात करें तो वो कहाँ पाया जाता है हाँ पहले सवाना का ही ले लीजिए तो सवाना तो एकदम आपको पता ही होना चाहिए कि ये कहाँ पाया जाता है तो ट्रॉपिकल रीजन में ठीक है तो सी का वन हो गया और उसके बाद ग्रासलैंड जो हो जाता है वो कहाँ पाया जाता है तो वो हो गया टेम्परेट रीजन में पाया जाता है तो डी का थ्री हो गया अब मान लीजिए टुंडरा टुंडरा तो एकदम आर्टिक वाला रीजन हो गया तो बी का क्या हो गया फोर और ए का हो गया टू दैट इज़ टाइगा सब आर्टिक रीजन तो ये ऑप्शन देखिए कौन कौन से टू फोर वन थ्री तो ये सही होगा अब चलिए ग्रास का बात हो रहा तो चलिए इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं तो ग्रास अगर बात करें तो पैम्पास ग्रास लैंड कहाँ पाया जाता है ठीक फिर वेल्ड कहाँ पाया जाता है और कहाँ पे और कोई ग्रास अच्छा बताइए बन्नी ग्रास लैंड कहाँ पाया जाता है इंडिया में ये आपका होमवर्क है ठीक है कमेंट सेक्शन में बताइएगा बन्नी ग्रास लैंड प्रेरीज हो गया यूएसए में कैंटे भी एक ग्रास है ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है ठीक है तो ये भी ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है लेवेंडर फेस्टिवल सीन रिसेंटली इन न्यूज़ टू प्लेसिन तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर लेवेंडर ऑयल के बारे में आपने सुना होगा ठीक है तो एक बार इसको सर्च कीजिएगा नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग दॉट एन एनजीओ स्पर्म प्लांट अभी आपको बताया था जिम्नो स्पर्म और एनजीओ स्पर्म के बारे में ठीक है तो एनजीओ स्पर्म तो इसमें अभी एनजीओ स्पर्म बोला है ना तो एनजीओ स्पर्म मतलब हो गया फ्लावरिंग प्लांट ठीक और जिम्नो स्पर्म हो गया नॉन फ्लावरिंग प्लांट तो अब देखिए अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना तो इसका आंसर आप निकाल सकते हैं कॉन देखें मतलब जिसको मक्का बोलते हैं तो इसमें फ्लावर आता है बिल्कुल सही है पोटैटो अगर आप कभी खेतों में गए होंगे तो देखा होगा कि आलू के आलू के जो प्लांट होते हैं उसमें भी फ्लावर आता है तो ये भी सही है ओक ये भी फ्लावर आता है कॉर्नीफेड्स इसमें कॉन आता है ठीक है फ्लावर नहीं आता है तो डी इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज़ नॉट कवर्ड अंडर द इको मार्क स्कीम पूछा नॉट कवर्ड तो इको मार्क स्कीम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 1991 के तहत लाया गया था और ये सत्रह प्रोडक्ट के लिए अप्लाई होता है ठीक है इको मार्क स्कीम जैसे कि सोप हो गया डिटर्जेंट हो गया फूड आइटम हो गया ठीक है फिर आप ले लीजिए लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया ठीक पेंट हो गया तो इन सब चीज़ों में आप देखे होंगे कि ये इको मार्क स्कीम ई कोमार की स्कीम रहता है तो पूछा है कि किस में नहीं होता है तो इसका सही आंसर होगा डी नॉन ऑफ दी एव ठीक है अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इन विच स्टेट कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट हैज़ बीन इनोग्रेटेड तो इसका सही आंसर होगा बिहार और बिहार में कहाँ पूर्णिया में ठीक है ये भी ध्यान रखें वहाँ के सीएम कौन है नीतीश कुमार नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेंट तो पहला है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ एरोसेल ओनली और दूसरा कह रहा है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स बिगर देन टेन माइक्रोन आर लाइकली टू लॉज इन द नेसल पैसेज नेसल पैसेज मतलब कि अब जब नाक से सांस लेते हैं तो जो लंग्स को जाता है तो वो पैसेज पर बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा सी ठीक है दैट इज़ ओनली टू तो केवल ओनली देखिए एक तो बात आप जब भी ऑनली आ जाएगा तो एक बात ध्यान रखिएगा कि वो मैक्सिम नाइनटी नाइन परसेंट टाइम एकदम गलत ही होता है एक परसेंट में सही भी हो सकता है लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए तो ऑनली पूछा है तो एरोसोल में नहीं ऐसे भी कह सकते हैं कि वो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में भी होता आप सांस ले रहे हैं तो वो जा ही रहा ठीक है और बिगर देन टेन माइक्रो लॉज इन द नसल पैसेस तो ये बिल्कुल सही है तो इसका सही आंसर क्या होगा ओनली टू नेक्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज़ डिक्लेयर एज फोर्थ टाइगर रिज़र्व ऑफ उत्तर प्रदेश तो ये कौन होगा रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है तो बुंदेलखंड एरिया में तो ये ध्यान रखिएगा ठीक और अदर टाइगर रिज़र्व की बात करें बिहार में कितने तो, अब टोटल चार हो गए और इससे इससे पहले कौन कौन है तो दुधवा टाइगर रिजर्व पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ध्यान रखिएगा दुधवा कहाँ पे है तो लखीमपुर खीरी में है ठीक है दुधवा कहाँ पे है तो लखीमपुर खीरी में है और पीलीभीत कहाँ है तो वो है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में और अमनगढ़ कहाँ है तो वो है बिजनौर में ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है टू इंश्योर टू इंश्योर द इजी एबेबिलिटी ऑफ मेडिसिन द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश विल सेटअप ड्रग वेयर हाउसेस इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट तो इसका सही आंसर होगा सेवेंटी फाइव ठीक है यूपी में कितना लोकसभा सीट है तो है अस्सी राज्यसभा सीट इक्तीस विधानसभा में कितने सीट है चार सौ तीन और अगर पूछ दे कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं तो पचहत्तर ठीक है तो ध्यान रखिएगा तो अब इसमें देखिए वेयर हाउस कहने का मतलब होता है गोदाम ठीक है तो कितने डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा ताकि दवाई की कोई किल्लत ना हो सके तो पचहत्तर डिस्ट्रिक्ट में नेक्स्ट है इन 2022 नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे वॉज ऑब्जर्व ऑन तो इसका सही आंसर होगा थर्ड फ्राइडे इन मई अब थर्ड फ्राइडे किस दिन पड़ा तो वो पड़ा मई बीस को तो आपको याद होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट है मैच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है नेशनल पार्क है लोकेशन तो सबसे पहले सैडल पीक नेशनल पार्क कहाँ पे है तो ये हैं अरुणाचल आंध्र अंडमान एंड निकोबार में वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है तो वो है बिहार में तो बी का वन हो गया गिर नेशनल तो पता ही है गुजरात में दैट इज़ सी का फोर हो गया और कलेसर कहाँ पे है तो डी का थ्री तो टू वन फोर थ्री तो अब देखिए कौन कौन सा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी दैट इज़ टू वन फोर थ्री नेक्स्ट में आते हैं वेन डिड द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर फर्स्ट यूज़ द टर्म सोशल फॉरेस्ट्री ठीक तो इसका सही आंसर होगा ए 1976 अब सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है कि देखिए आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं ठीक खेत है आपका तो इसमें क्या होता है किनारे किनारे आप प्लांट लगा दीजिए तो इससे क्या होगा कि एक तो ग्रीनरी भी बचा रहेगा और इन्वायरमेंट को भी फायदा होगा तो इसी को बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू न्यू डेवलपमेंट बैंक विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट ठीक है तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है द थीम ऑफ द सेवेंथ एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर वाज एन ऑप्टिमाइजिंग डेवलपमेंट इम्पैक्ट और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एन डी बी हैजनाउंस दबलिशमेंट ऑफ इस रीजनल ऑफिस इन इंडिया तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं ठीक है इसका रीजनल ऑफिस खोलने का इंडिया में बात किया गया है और इसका थीम क्या है एन डी बी ऑप्टीमाइजिंग डेवलपमेंट इम्पैक्ट अब नेशनल डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो ये कब स्टार्ट हुआ तो ये 2015 में ठीक है इसका क्वार्टर कहाँ है सांगाई ये याद रखिएगा और इसका जो सेवेंथ एनुअल ये सेवेंथ एनुअल मीटिंग हुआ कब मई 2022 में ठीक और इसी में 2022 में हुआ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया ठीक ये भी ध्यान रखिएगा और इसी मीटिंग में डिसाइड किया गया कि रीजनल ऑफिस खोला जाएगा कहाँ पे गिफ्ट सिटी और गिफ्ट सिटी कहाँ पे तो वह है गुजरात अहमदाबाद ठीक है तो ये भी ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू अमेन्सलिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अमेंसलिज़म क्या होता है देखिए बात क्या होता है कि जैसे कि ये एक एसोसिएशन है जैसे अभी आपको बताया था ना एल क्या बोले फाइटोफ्लैंकटन प्लस आ, कोरल जो कोरल रीफ वाला था ठीक तो वो वाला भी एक एसोसिएशन है तो एमेंसलिज्म एक एमेंसलिज्म भी एक तरह का एसोसिएशन है इसमें क्या होता है कि एक जो है बेनिफिट करता है और दूसरा जो है बर्बाद होता है ठीक है जैसे आपको मच्छर काटा ठीक तो मच्छर अगर आपको काटा तो वो आपका खून लिया और उसने आपको मलेरिया बीमारी दे दिया तो वो क्या हुआ वो तो अपना फ़ायदा कर गया आपको तो बर्बाद कर गया ना मलेरिया हो गया आपको तो वही हो गया तो पहला है पहला स्टेटमेंट पढ़िए इन इट वन स्पीसीज बेनिफिट एंड द अदर इज अन और दूसरा है टिक्स गेट बेनिफिट बाय सकिंग ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ एमेंसिलिज्म ठीक तो इसमें दर इज़ अन ये नहीं होगा ठीक है वो अफेक्ट होता है अभी आपको मॉस्किटो वाले एग्जाम्पल दिया ठीक है तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए टिक गेट बेनिफिट बाय सकिंग ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ एमेंसेलिज्म ये भी नहीं होगा ठीक है तो इसका सही आंसर क्या होगा थर्टी फाइव का डी दैट इज नाइदर वन एंड टू नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कोरल रिप्स आर नॉट फाउंड अभी आपको मैंने बताया था जब कोरल रीप का डिस्कशन तो अब इस आंसर क्या होगा तो गल्फ ऑफ कैम्बे जिसको ख़म्बाद भी बोलते हैं गल्फ ऑफ खम्बाग नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन सेवेंथ मई 2022 हजार द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डायरेक्टेड टू तो डेवलप हाईटेक टेक नर्सरीज इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस स्टेट अंडर द डायरेक्शन ऑफ विच डिपार्टमेंट तो ये होगा डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ध्यान रखिएगा किस डिपार्टमेंट ये नहीं चल रही है कि डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री क्या मोस्ट ऑफ द में सब यही मारेंगे नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट करेक्ट पूछा है ठीक है ए स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एन एरिया एज नेशनल पार्क ये बिल्कुल सही है स्टेट गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकता है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू हेज़ स्पेसिफाइड कंजर्वेशन वैल्यू फॉर नेशनल पार्क ऐसा कुछ नहीं है ठीक है और अगर नेशनल पार्क की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों डिक्लेयर कर सकते हैं और इसमें नो no बाउंड्री मतलब कि कोई बाउंड्री का चेंज नहीं किया जा सकता है ठीक है विदाउट स्टेट गवर्नमेंट का आ, मतलब क्या बोलते हैं राय लिए बिना या उनके आदेश के बिना तो इसका सही आंसर क्या होगा दैट इज एनली वन नेक्स्ट है द सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट रिपोर्ट इज रिलीज बाई तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ये इसका सही आंसर होगा डी इंटर गवर्नमेंट गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम नेक्स्ट है द ग्रेट द ग्लोबल रिपोर्ट ऑफ एसेव टेक्नोलॉजी ग्रेट हैज बीन लॉन्च बाई देखिए ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है आपको याद करना ही पड़ेगा तो इसका सही आंसर होगा डी डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्लस यूनिसेफ ठीक है और असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहने का मतलब है कि वैसे टेक्नोलॉजी जो कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं उनको हेल्प करें ठीक है तो ये भी ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू फिफ्टी एथ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज बींग कॉमेरेटेड फ्रॉम ट्वेंटी सेकेंड मई दो हजार बाईस टू ट्वेंटी सेकेंड मई दो हजार तेईस तो एक बात याद रखिएगा दो सौ पचासवा पूछा है तो मतलब बर्थ एनिवर्सरी है ना तो ध्यान रखिएगा कि कौन होंगे तो इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय क्योंकि देखिये गोपाल कृष्ण गोखले को अगर आप देखें तो ये सब नाइनटीन से एटीन सेंचुरी के बीच में रहे तो आप वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है लेकिन अगर आप देखें राजा राम मोहन साय राय तो आज से मतलब मान लीजिए कि अभी 2000 मान लीजिए तेईस है तो ढाई सौ साल पहले बोला है तो मान लीजिए सत्रह सौ तिहत्तर तब जाके होगा ढाई सौ साल तो सोचिए तो उस टाइम तो गोपाल कृष्ण गोखले थे नहीं सुरेंद्र नाथ भी नहीं थे फिर मकबूर अहमद अजाजी ये भी नहीं थे तो बचते कौन है राजा राम मोहन राय अगर आपने डीपली पढ़ा होगा तो उनका बर्थ कब हुआ था सेवनटीन सेवेंटी थ्री में और अगर राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्होंने सती को लेके सती प्रोहिबिशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और इन्होंने क्या लिखा था संवाद कॉमेदी प्रिसेप्ट ऑफ जेस ए बुक ऑन मोनोथिस्ट ठीक ये सब इनके द्वारा लिखा गया था और इनको अकबर का टाइटल इनको राजा का टाइटल किसने दिया था अकबर टू ने ये भी ध्यान रखिएगा और इन्होंने डेविड हेरे हिंदी कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने हेल्प किया था डेविड हेयर को ठीक है कहाँ पे कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के इस्टेब्लिशमेंट में तो ये भी ध्यान रखिएगा देखिए छोटा कितना एक चीज़ से कितना चीज़ बता दे रहा हूँ नेक्स्ट है ड वॉज डिक्लेयर एज द डीकेट फॉर डेजर्ट एंड दाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन बाई यूनाइटेड नेशन तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है एकदम रट्टा मान लीजिए फोर्टी टू का होगा डी बी देट इज दो हजार से दो हजार दस नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू डेजर्ट बायोम विच ऑफ दर करेक्ट तो लेस देन टी फाइव सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल ऑकर्स हेयर इन दिस बायोम ट्री लिप्स आर सेकेलेंट्स तो देखिए इसका सही आंसर होगा बी ठीक है सेकिलेंट कहने का मतलब कि पत् छोटा छोटा होता है ताकि वाटर वेपर जो जैसे क्या होता है कि बड़ा पत्ता रहेगा तो क्या होगा वाटर वेपर मतलब वेपराइजेशन ज़्यादा होगा पानी रिलीज ज़्यादा होगा तो पानी एक तो पहले से कम है और वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज हो जा रहा पत्तों के थ्रू तो प्लांट को ही घाटा है ग्रोथ और डेवलपमेंट में इसीलिए इनका पत्ता बहुत ही छोटा होता है इसलिए वहां पे कैक्टस देख लीजिए कैक्टस में तो पता ही नहीं होता है तो वही बात है और लेस देन ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर होता है ये भी बिल्कुल सही है तो इसका सही आंसर क्या होगा बी दैट इज बोथ वन एंड टू नेक्स्ट है एज पर ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट ऑफ आई एफ पी आर आई विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट पहला कह रहा है कि इंडिया कुड फेस ए डूल प्रॉब्लम ऑफ डीपिंग फूड प्रोडक्शन कपल्ड विथ राइजिंग हंगर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज दूसरा कह रहा है क्लाइमेट चेंज विल आल्सो इंपैक्ट द एवरेज कैलोरी कंजम्पन ऑफ इंडिया ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ठीक है क्लाइमेट चेंज अभी आप देख लीजिए फरवरी के महीने में देख लीजिए अच्छा ठीक है चलिए अक्टूबर से लेकर फरवरी में गेहूँ का फसल लगता है और गेहूँ के फसल में दो से तीन बारिश आपको जरूरी होता है ठीक है फॉर देयर बम्पर प्रोडक्शन अगर यूपी में रहे हैं तो आपको पता ही है कि, कि कितना अगर आपके खेत किसानी है तो आप देखेंगे कि दो तीन बारिश हो जाने के बाद कितना बम्पर प्रोडक्शन होता है लेकिन इस बार देख लीजिए बारिश हुआ ही नहीं है तो इस बार एक तो प्रोडक्शन इफेक्ट होगा और क्लाइमेट चेंज हो जाने की वजह से कहा जा रहा है कि दाने उतने अच्छे से बने नहीं हैं एज़ कंपेयर टू प्रीवियस ईयर तो ये तो देखिए पहला स्टेटमेंट एकदम सही है कि प्रोडक्शन कपड विथ राइजिंग एंड टू विल ऑल्सो अफेक्ट द एवरेज कैलोरी कंजम्पन ऑफ इंडियन तो दोनों स्टेटमेंट सही है ये तो एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ मैं का आपको बी क्योंकि न्यूज़ रिपोर्ट ऐसे आ रहे हैं आर्टिकल भी ऐसे ऐसा छपा है नेक्स्ट है मैच ऑफ द फॉलोइंग है तो पहला एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया कब बना था तो ये नाइनटीन नाइन्टी टू में बना था तो ए का क्या हो जाएगा टू सेंट्रल जू अथॉरिटी कब बना था तो ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड नाइनटीन सिक्सटी टू में बना था सेंट्रल जू अथॉरिटी 1992 में बना था तो दैट इज़ बी का वन हो जाएगा नेशनल बायो अथॉरिटी अभी आपको बताया था बायोडाइवर्सिटी एक्ट तो उसी साल 2002 में ये बना था मतलब बना नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में और नेशनल बायो अथॉरिटी 2003 में बना था तो सी का हो जाएगा फोर और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ये हो जाएगा दो में दो में ठीक है तो कौन सा ऑप्शन होगा टू वन फोर थ्री तो देखिए कहाँ है टू वन फोर थ्री तो पहला ऑप्शन होगा ए अब देखिए इसमें क्या है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बल्लभगढ़ हरियाणा में ठीक है पहले चेन्नई में था ठीक है तो अब देखिए इसमें एक चीज़ और आपको बता दूँ कि इसमें तो क्वेश्चन भी बना हुआ है यूपीएससी में क्वेश्चन बनाए एनिमल वेलफेयर बोर्ड में और इसको स्टार्ट इसका स्टार्ट कराने में अरुंधति अरुण धले एक लेडीज थी अरुण धले पूरा नाम याद नहीं आ रहा तो उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल हाँ रुकमणी अरुण धले ठीक है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ठीक है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का स्टेब्लिशमेंट में नेक्स्ट है द मैन एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव है तो किसका है ये डायरेक्ट है ये इनको का तो इसमें क्या होगा कि इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट ठीक है मतलब अब जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बने नेक्स्ट रिसेंटली हु आई द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तर प्रदेश तो ये कौन बने हैं अजय मिश्रा ठीक है तो डी ऑप्शन होगा अब अगर आपसे पूछ ले कि एडवोकेट जनरल एक तो होता है कि सेंटर का एडवोकेट जनरल ठीक है वो क्या करता है कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है अब मान लीजिए कोई केस हो गया जिसमें कि सेंटर और स्टेट के बीच में टसल हो गया ठीक है तो क्या करता है कि अटॉर्नी जनरल होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट को ठीक है और अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट को तो ये किस आर्टिकल में डिफाइन है तो ये सेवेंटी सिक्स आर्टिकल अगर सेंटर का है तो सेवेंटी सिक्स अगर स्टेट का है तो वन सिक्सटी फाइव ध्यान रखिएगा और एक बात और अटॉर्नी जनरल को लेके कि न, और कुछ ऐसा मतलब आपको बता सकूँ तो आ, आर्टिकल याद कर लीजिएगा बस इतना ही काफ़ी है